नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो टाई बीम डलता है दोस्तों मकान के बीच में लेंटर से नीचे वाले हिस्से में, तो दोस्तों उसमें टाई बीम में कितने प्रकार की बंगड़ी काम में आती है और कितने बाई कितने की बंगड़ी तैयार की जाती है और कितने mm का सरिया उसमें चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो बंगड़ी है वो तीन प्रकार से बनाई जाती है। ये पहली बंगड़ी आपको मैं बता दूँ, ये है 9x9 जिसमें सरिया काम में आता है 30 इंची का सरिया काम में आता है 9x9 का ये बंगड़ी है दोस्तों। 7x7 लंबाई एंड बरबर का कार इस बंगड़ी बनाई जाती है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो सरिया काम में आएगा मतलब वो बंगड़ी है दोस्तों, इसकी है दोस्तों 22 इंची का सरिया काम में आता है, लंबाई इसकी 22 इंची। और दोस्तों mm है, 8 mm का सरिया काम में आता है, 8 mm का सरिया काम में आता है दोस्तों इन बंगड़ियों को बनाने में। तो दोस्तों, टाई बीम जब डलता है वो 9x9 का जो पिलर बनता है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहना कैसा टाई बीम होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो टाई बीम है आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, टाई बीम के जो बंगड़ी है 9x9 का जो पिलर है आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से दोस्तों। अब ले चलता हूँ बंगड़ियों की तरफ, कितने mm का सरिया कैसे कैसे बनती है जो दोस्तों बंगड़ी, वो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है। और दोस्तों, जो बंगड़ी जो सरियों को बांधते हैं लेंटर RCC का जो सरिया होता है उनको बांधने के काम में जो तार आते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सेटिंग वालों ने नाप के जो तार हैं उनको बांधने के काम में आते हैं वो काट रखे हैं। और दोस्तों, इनके साथ साथ जो ब्लेड है दोस्तों सरियों को काटने की जो ग्राइंडर होती है वो ब्लेड है दोस्तों, इनकी मैंने जानकारी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो क्या क्या इसके फीचर है, कितनी रेट है दोस्तों। और दोस्तों, जो ग्राइंडर आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से, ये रहा ग्राइंडर जो चलाने वाला होता है वो। अब दोस्तों, बंगड़ी है वो आपको दिख रहा होगा, अब ये सरियों को नाप लेते हैं क्योंकि वो ये बंगड़ियों का सरिया है। तो दोस्तों, लंबाई इसकी नाप लेते हैं, इंची टेप से नाप लेते हैं, इंची टेप आपको दिख रहा होगा, इंची टेप इससे नाप लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 21 इंची है दोस्तों, 21 इंची का सरिया है 8 mm का। तो दोस्तों, 21 इंची का 8 mm का सरिया जो बंगड़ियों में काम आता है, बंगड़ी 8 mm के सरिया से ही बनती है। और ये औजार है इसका बनाने का, बंगड़ियों को बनाने का। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेंगी।